And tonight we take you inside one of the most dangerous countries on earth. India में सबसे ज्यादा murders record किए गए थे यूपी में. Population है यूपी की लगभग 25 करोड़, जो कि इधर की population से 40 गुना ज्यादा है. और murders यहाँ से आते. तो basically El Salvador में यूपी से भी 80 गुना ज्यादा murders होते हैं. El Salvador is under state of emergency after a deadly weekend of gang violence. El Salvador's gangs are involved in drug running, extortion, and killing. 14 people murdered on Friday and 62 the following day. Rodolfo Lopez was murdered for $5. El Salvador, एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम अगर हमने कभी सुना है तो सिर्फ होमोसाइड्स, एक्सटॉर्शंस, गैंग वायलेंस, रॉबरीज और कार्टल्स एटसेट्रा की न्यूज में. मर्डर्स की अगर बात करें तो दुनिया का कोई देश इसके आसपास भी नहीं आता, और इसलिए ही एल सेल्वाडोर पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट मर्डर या होमोसाइड रेट होने की वजह से सबसे खतरनाक देश माना जाता है. सिर्फ 65 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद 2015 में यहाँ लगभग 7,000 मर्डर्स हुए थे, जिसका मतलब 100 से भी ज्यादा का होमोसाइड रेट. और यहाँ ये एक बार नहीं, काफी कैलेंडर ईयर्स में ऐसा हुआ है. जबकि इसके अलावा बाकी खतरनाक देशों के होमिसाइड रेट्स 50 के आसपास भी नहीं जा पाते. दुनिया के इस पार्ट में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एल सेल्वाडोर और होंडुरस को स्किप करके सिर्फ बाकी देश घूम के वापस चले जाते हैं, जैसे मेक्सिको, ग्वाटेमाला और कोस्टारिका. मैं उन गिने चुने टूरिस्ट में से होने वाला हूँ जो एक्चुअली एल सेल्वाडोर जाके इस देश को एक्सप्लोर करने वाला है. चलिए आज की वीडियो में ग्वाटेमाला से एल सेल्वाडोर की बॉर्डर क्रॉस करके इसमें एंटर करते हैं. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में. मैं हूँ फिलहाल अभी एंटीगुआ, जो की एक सिटी है ग्वाटेमाला कंट्री में, जो की सेंट्रल अमेरिका में कंट्री है. और इनकी जो कैपिटल सिटी है ग्वाटेमाला सिटी, उससे लगभग 1 घंटा दूर है. पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा से शायद मैं यहाँ पे हूँ, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा. और अभी मैं निकलने वाला हूँ एक नई कंट्री के लिए, एल सेल्वाडोर, जो कि ग्वाटेमाला के नीचे एक कंट्री है. तो 10 बजे की मेरी शटल है, उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ और खाना खाऊंगा. और ये अच्छे अच्छे कुछ नजारे है चारों तरफ, यहाँ पे वॉल्केनोज दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है. मजा आ गया मेरे को तो इस शहर में रुके, मतलब डेफिनेटली मेरे जो टॉप 3 शहर है ना उनमें से एक है एंटीगुआ. हे हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग. ये नीचे का इलाका है कुछ, उधर रेस्टोरेंट, उधर से मैं ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ मेरा. परमवीर, तो मैंने लिए फ्रूट्स और साथ में ऑरेंज जूस. दूसरा ऑप्शन था ब्रेड और पीनट बटर का, तो मैंने सोचा फ्रूट्स खाते हैं आज. कैन आई टेक इट? लगभग 5-10 मिनट में मेरी शटल आ जाएगी, तो इसलिए मैं बाहर आ गया कॉफ़ी लेने के लिए. इधर एक काफ़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप है. हॉस्टल की कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं इधर लेने आता हूँ. मतलब ब्रेकफास्ट में बहुत बेसिक सी कॉफ़ी देते हो. और एक तो ये बाहर रह गए अंग्रेजों के साथ, इतना ज़्यादा मेरे को भी ये आदत लगी, ये चौचले कॉफ़ी पीना ये करना. कोई नहीं, चलो ले लेते हैं. इधर है दुकान वो फैट कैट कॉफ़ी के नाम से. इधर मेरे को सब्सक्राइबर ही मिला पिछली बारी, मैं कल परसों आया था तो एक इंडिया का बंदा मिला मेरे को इधर, वीडियो देखता था जो यूएस रहता है वो. बना रहे कॉफ़ी मेरा, इंतज़ार कर रहा हूँ बस, 1-2 मिनट में बना देंगे. और फिर मेरी शटल का टाइम भी हो गया, जल्दी से हॉस्टल की तरफ पहुँचता हूँ. बाकी पता नहीं कितने टाइम पे आएगी कितने नहीं. 10 बजे का बोल रहा था मतलब उस टूर कंपनी ने, शटल कंपनी ने. बढ़िया टाउन है, मेरे को बहुत पसंद आया ये. टाइम कम है नहीं, मैं और दिन भी रुक जाते हैं यहाँ पे. देखो अभी एक इरप्शन हुई थी वोल्केनो की, ये इसका फ्यूगो यानी कि ये जो धुआं सा आप देख पा रहे होगे, तो ऐसे यहाँ होते रहते चारों तरफ छत पे बैठे. या देयर कॉफी इज द बेस्ट. Really nice. शटल आ गई भाई अपनी. एंटीगुआ में ही रुके एक और जगह अभी, और मेरे ख्याल से 4-5 लोग और आएंगे. मैं हूँ और एक इंग्लैंड की लड़की है, कह रहे 4-5 लोग और बैठेंगे जो कि जाएंगे एल सेल्वाडोर. तो मेरी अभी इस इंग्लैंड की लड़की से बात हुई है, बोली कि ना सैन सेल्वाडोर में तो कोई नहीं जाता. और मैं देख भी रहा था उधर सिर्फ एक ही हॉस्टल था सैन सेल्वाडोर में. तो बोली कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि जिस हॉस्टल में रुका हुआ था यहाँ से कोई भी नहीं गया था एल सेल्वाडोर में. सारे बॉर्डर थे काफ़ी खतरनाक है और ये वो, तो कोई जाता ही नहीं. तो मेरे पास कोई रिकमेंडेशन ही नहीं थी. तो ये बोली सेंटा आना जाऊँगी मैं, और वो बढ़िया टाउन है. तो मैं नेट पे देखने लग गया इतने, तो मेरे को बढ़िया लगा. उधर हॉस्टल भी थे खूब सारे, तो हो सकता है मैं अभी रास्ते में उसी टाउन में उतर जाऊँ. पर देखते हैं, अगर मेरे को सही लगा तो उतर जाऊँगा, वरना फिर आगे चले जाएँगे कैपिटल सिटी सैन सेल्वाडोर में. बाकी अभी तो 4-5 घंटे तो लगेंगे एटलीस्ट, बॉर्डर क्रॉस करेंगे एल सेल्वाडोर में एंटर करेंगे, टाइम लग ही जाएगा. बाकी एल सेल्वाडोर का जो नया प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले, उसने शायद काफ़ी चेंजेस करे वहाँ पे, काफ़ी क्राइम्स अब
सुनने में है कि जितने भी गैंगस्टर है ना जिसके भी शरीर पर टैटूज है, पकड़ के पुलिस उन्हें जेल में डाल रही है सीधा। फिर बाद में इन्वेस्टिगेट करती है कि भी टूरिस्ट है कौन है। तो लकीली मेरे शरीर पे तो कोई टैटू है नहीं। इन दिनों काफ़ी सख्ताई कर रखी है गैंगस्टर्स को और माफिया को लेके वहाँ पे उनके नए प्रेसिडेंट ने और पुलिस ने। आगे गर्मी होगी वहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो मैंने जैकेट उतार दी, टी शर्ट चेंज कर ली। ये बस भी एल सेल्वाडोर की है, देखो यहाँ की नहीं है, ग्वाटेमाला की नहीं है, मतलब शटल। वक्त हुआ है दोपहर के 12:15 और अभी हम रुके एक टाउन में जिसका नाम है एस क्विंटा, और यहाँ पे मार्केट सी लगा लो, कुछ लगा लो। इधर अभी शटल रुकी है, बाथरूम वगैरह जाना कि जो कुछ खाने का लेना हो तो। और एंटीगुआ से हम एक घंटा आए होंगे अभी तक, 11 बजे ही वहाँ से निकले थे, तो एक घंटा 1.25 घंटा लगा लो निकले हुए है और ये टाउन आ गया। पर देखो कितना साफ़ सुथरा है ग्वाटेमाला ना, उम्मीद नहीं थी मेरे को सेंट्रल अमेरिकन कंट्री होगी भी इतनी साफ़ सुथरी होगी, मतलब एकदम साफ सुथरी रोड्स और बहुत अच्छे से मैनेज्ड है सारा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो बसेज वगैरह है ना इधर सारी यूएस टाइप, यूएस की बसेज लग रही है मेरे को तो सारी, जो यूएस में स्कूल बसेज होती है उनको मॉडिफाई करके जिन्हें चिकन बसेज बोलते हैं यहाँ पे वो बना रखा है, तो वो बसेज चलती हुई दिखती है रोड पे खूब सारी। मुश्किल से हम 1.25 घंटा आएंगे और टेम्परेचर देखो गर्मी कितनी होगी, वहाँ पे ठंड लगती थी यहाँ पे गर्मी लग रही है इतनी भयंकर, इसमें भी मन कर रहा है पजामा उतार के शॉर्ट्स पहन लूँ, एकदम तिखी धूप और गर्मी। होला तो ये बोल रहे हैं वीडियो मत बनाओ कोई नहीं, अब तो अपनी बन चुकी इंतजार कर रहे हैं अभी हम वो एक और लड़के के आने का। फंस गए भाई, इतने सारे और लोग आ रहे वैन में। आगे भाई इमिग्रेशन पासपोर्ट निकालने अब। Be careful, this one's gonna fall down. Ah. ये रहा भाई अपना इंडियन पासपोर्ट, डबल पूछताछ होती है हर बार इसके साथ, पर क्या कर सकते हैं। चलो सोलो पासपोर्ट चलो भाई इमिग्रेशन की तरफ। ये पर्चा सा दिया, पासपोर्ट देखा, स्टैम्प मारी, बाकी एक ग्वाटेमाला की बॉर्डर कंट्रोल थी, अभी आगे आएगी एल सेल्वाडोर की, कोई एग्जिट फीस वगैरह कुछ नहीं लगी, सीधा बस पासपोर्ट देखा, स्टैम्प देखी पुरानी और मोर मार दी। बाकी रियो पास है नदी जो डिवाइड करती है ग्वाटेमाला को और एल सेल्वाडोर को, वो क्रॉस करती एल सेल्वाडोर स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल हम शटल में जितने भी लोग थे सबका हो ही गया शायद, अब बैठ के मेरे ख्याल एल सेल्वाडोर वाली बॉर्डर कंट्रोल आएगी। ये सारा फ्रीज होना है, ये है भाई रियो पास नदी जो डिवाइड करती है, अब हम ऑफिशियली एंटर करके एल सेल्वाडोर। दैट्स द रियो पास रिवर राइट, इफ एनीवन नोस।
तो ग्वाटेमाला की बॉर्डर कंट्रोल पार करे बाद जब हमने रिवर क्रॉस करी और हम एल सेल्वाडोर में एंटर हुए, तो ये एक पुलिस वाला आता है और ये सबके पासपोर्ट चेक करता है वैन में। स्टैम्प वगैरह इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ पासपोर्ट देखे, सबके पासपोर्ट देखते, और आखिर में मेरा पासपोर्ट देखते एकदम से चौंक जाता है और बोलता है इंडिया, और फिर पासपोर्ट लेके चला जाता है और वैन के ड्राइवर को बोलता है कि इंतज़ार करो। और वैन में जितनी भी सवारी थी सारे मोस्टली यूरोपियन जी थे, पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखने लग रहे भाई जैसे कि मान लो मैं कोई टेररिस्ट हूँ या क्या हूँ। तो खैर मेरे को तो आदत है इंडियन पासपोर्ट के साथ, हर बार ऐसे होता ही है, एक्स्ट्रा टाइम लेते और चेकिंग करते हैं कि भी वीज़ाज वगैरह असली है नकली है, पासपोर्ट असली है नकली है, जो भी है। पासपोर्ट लेके चला गया लेकिन कुदरती थोड़ी देर में वापस आ गया और फिर मेरा पासपोर्ट उन्होंने लौटा दिया और फिर बोले जाओ, क्योंकि मेरे पास अमेरिकन वीज़ा था जिसकी वजह से मुझे वीज़ा नहीं चाहिए एल सेल्वाडोर का। और वरना अगर आप इंडिया से आते हो आपके पास अमेरिकन वीज़ा नहीं है, शेंगेन वीज़ा नहीं है, तो शायद आपको एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा, जो भी वीज़ा प्रोसेस है। पर एंट्री के टाइम कोई वीज़ा फीस नहीं लगी और कोई भी एक्स्ट्रा में पैसे नहीं देने पड़े, ना हमारी एग्जिट फीस लगी ग्वाटेमाला में, ना ही कोई एंट्री फीस लगी एल सेल्वाडोर में। और बस टेम्परेचर चेक किया, उसके बाद एक लेडी आई, लेडी पुलिस ऑफिसर वैन में, टेम्परेचर चेक करती, सबको जाने दिया। Sé que hay siete mares, sé todos tus secretos, sé de esos lunares, pero me duele no saber de ti. Ya me estoy volviendo loco por ese pelo jalarte. Las barras en Provenza y una excusa pa' perderte. Ya me estoy volviendo loco de cada noche soñarte. ये आ गया इनका सेंटर सिटी का, सेंट्रो है ये सेंटा एना का, यहीं कहीं हॉस्टल है अभी हमारा, अभी रुकेगी सब। हॉस्टल आ गया भाई, बैग उतार रहे अभी। वाव लवली Oh. Thank you. And esta. Sí. Gracias. Center is very quiet. Doesn't look like we're in the center. Casa Pulsi? Sí. रास्ते में थोड़ा जाम सा भी लगा था एक बारी, और चिकन बसेज आपने देखी, वैसे तो चिकन बसेज जो है ये ग्वाटेमाला की है एक्चुअली, ग्वाटेमाला से ये बेसिकली स्लैंग सा शुरू हुआ, फॉरनर्स बोलते हैं ना चिकन बसेज, क्योंकि ये पूरी भर के चलती है और इनमें लोग कई लाइफ स्टॉक या जानवर वगैरह भी लेके जाते हैं, कई चिकन वगैरह, तो इसलिए इन्हें चिकन बसेज बोला जाता है। ये कलरफुल सी होती है और ये यूएस की जो स्कूल बसेज है वैसी दिखती है कलरफुल सी, और अंदर ही इनकी भीड़ होती है, तो इन्हें चिकन बसेज बोलते हैं। वो चिकन बसेज यहाँ पे भी देखने में मिली हमें एल सेल्वाडोर में। तो एल सेल्वाडोर बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है और इनकी बिगेस्ट सिटी सैन सेल्वाडोर, और वो इनकी कैपिटल भी है। मेरे को उधर ही जाना था पर लेट काफ़ी हो गया था, अभी अंधेरा होने वाला है, और ऊपर से बस में दोस्त बन गए शटल में हम सारे, तो सारे लोग ही इधर आ रहे थे सेंटा आना। ये देखो चिकन बस, तो सभी लोग सेंटा आना आ रहे थे, और जो कैपिटल सिटी है सैन सेल्वाडोर वहाँ पे कोई हॉस्टल वगैरह भी नहीं थे, एक एक आधा ही था, और उधर क्राइम बहुत ज़्यादा है, वो सेफ नहीं है। पर मेरे को तो उधर जाना था, पर ये सारे बोले इधर ही रुकिए बढ़िया है, जाना हो तो बाद में चला जाइए, तो मैंने सोचा ठीक बात है इनकी भी। तो इस लड़की ने हॉस्टल करा रखा था, बाकी तो कपल्स थे, उन्होंने एयरबीएनबी करा रखे थे अपने, तो मैं इस लड़की के साथ यही हॉस्टल मैंने बुक करा लिया। इधर फिर भी मतलब हॉस्टल में एक और लड़की है टूरिस्ट, फिर भी थोड़े बहुत इधर है, तो मैंने पैसे पे नहीं करे, 10 यूरो एक रात के इस हॉस्टल के, उसके लिए मेरे को ATM जाना है। वैसे तो कार्ड से भी जाता, पर ये रिसेप्शन पे बंदा खुद ही बोला, इंग्लिश नहीं आती स्पेनिश आती थी, बोला 10% एक्स्ट्रा लगेंगे, आप एक काम करो ATM चले जाओ, वहाँ से कैश निकाल के ले आना। 10 यूरो तो काफ़ी सस्ता है, 850 रुपये का बेड शेड डॉर्मेट्री में। अंधेरा इससे पहले कैश निकलवा ही लाता हूँ, इस तरफ बता था शायद वो ATM। इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊँ, यहाँ की करेंसी है US डॉलर, और सिर्फ US डॉलर नहीं, बिटकॉइन भी। दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को ऑफिशियली रिकग्नाइज किया एज देयर ऑफिशियल करेंसी सितंबर 2021 में, और 2001 में US डॉलर ने कोलोन जो इनकी पहले करेंसी थी शायद उसे रिप्लेस कर लिया था, तो यहाँ पे अमेरिकन डॉलर ही चलते हैं करेंसी के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है, यहाँ की स्पेनिश है, और रिलीजन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 85% लोग क्रिश्चियन है, बाकी बचे हुए लोग नॉन रिलीजियस है,
मतलब नो रिलीजन। एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे लोग ही वही मेरे ख्याल से 85-86% मेस्टिसोज है, जो कि एक मिक्स्ड वाइट और इंडिजिनस रेस है। बाकी कुछ लोग वाइट है मेरे ख्याल से 13% और 1-2% जो बचे वो सारे और जो भी है। वैसे तो यूएस डॉलर्स थे मेरे पास, पर वो मैंने खर्च कर दिए ग्वाटेमाला में, तो यहाँ से अब एटीएम से निकाल लूँगा। हालांकि मोस्टली लोग यहाँ क्रिश्चियन है, पर ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है। ये देखो एक और बस, आई उन कहेरो ऑटोमेटिको सी No, aquí no. Aquí, vaya al parque, suba a la otra cuadra. Sí. Para arriba, vaya a ver ahí. ¿Izquierda? Sí, para arriba. Gracias. हालांकि सेंट्रल अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री है, पर सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। पर स्क्वायर किलोमीटर में मेरे ख्याल से 310 लोग है, और जो कि कुछ भी नहीं है अपने दिल्ली मुंबई से कंपेयर करें तो। अपने तो हजारों में है पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर सेंट्रल अमेरिका के हिसाब से काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है एल सेल्वाडोर। और इकलौती ऐसी कंट्री है जो, अरे वाह, पहले देखो ये क्या, इनका कोई कैथेड्रल होगा ये सेंटर में, ये मेरे को नहीं पता, पता करके अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। हाँ, तो मैं कह रहा था सेंट्रल अमेरिका में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी कोस्ट कैरेबियन सी से नहीं मिलती। इसके नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में तो होंडुरस हो गया, नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला हो गया, साउथ में इसके पैसिफिक ओशियन है, लेकिन कैरेबियन सी से इसकी कोई भी कोस्ट नहीं मिलती। जबकि आप और कंट्रीज देखोगे सेंट्रल अमेरिका की, मेक्सिको हुई या फिर बेलीज हुई, ग्वाटेमाला हुई, होंडुरस हुई, पनामा, कोस्टारिका, उन सभी की कोस्ट कहीं ना कहीं मिलती है कैरेबियन सी से। इसकी सिर्फ पैसिफिक ओशियन से मिलती है और बाकी ये कवर्ड है लैंड से। इधर थोड़ी सी रौनक लग रही है, हो सकता है इधर कोई ना कोई एटीएम होगा जरूर। फार्मेसी है, ये एक फार्मेसी है। क्वात्रो आ काये ओरिएंटे, काये मतलब स्ट्रीट, सी ए एल एल ई, इसको काये बोलते हैं। क्वात्रो आ मतलब 4A। अरे उधर रौनक सी, उधर चलते हैं। ये देखो एक हमर H5, कमाल हो गया। आए हुन कहेरो कहेरा ऑटोमेटिको आकी आया ओके ग्रेसियस। कुछ समझ आए तो, इधर मेरे पर समझ में नहीं आया, बहुत तेज बोल गई स्पेनिश ये लेडी, और कुछ एक्सेंट भी यहाँ का था तो मेरे इतना समझ में नहीं आया। ये असली सेंटर इधर दिख रही है फिर भी रौनक, वो तो सुनसान पड़ी थी गलियां सड़कें, ए टू जेड आदमी मेरे को घूर रहे, कोई आता ही होगा इधर टूरिस्ट, एल सेल्वाडोर में टूरिस्ट नहीं आते तो इनको आदत नहीं है मेरे ख्याल से। ये इनका सेंटर सेंटा आना का एल सेल्वाडोर, टोटल पॉपुलेशन इनकी है 65 लाख, यानी कि 6.5 मिलियन। और इनके क्राइम्स के बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा है पे एटीएम का है पास में, उसने बताया एक तो उधर जागे और एक इधर है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है यार, एक सिंगल आदमी, सारे ऐसे घूर रहे मेरे को मानो मैं एलियन हूँ। इधर ठीक बताया था उसने। एक सुपरमार्केट है, इसमें हो सकता है एटीएम हो। ये मिल गया भाई एटीएम, सुपरमार्केट में था, इससे निकलवा लेते हैं। मेरे को बिटकॉइन का हिसाब बिल्कुल नहीं पता, पर हालांकि यूएस डॉलर ही निकलेंगे, बिटकॉइन तो एटीएम से नहीं निकलते। इंग्लिश है, चलो ये काम अच्छा हो गया। पिन एक बारी फीस देखूँगा कितनी लगेगी, $200। डॉलर तो यार काम की करेंसी, और देशों में भी यूज़ हो जाएंगे तो एक्स्ट्रा ही निकलवा लेते, ये चीज़ बढ़िया है डॉलर की। और देशों में तो करेंसी निकलवा लो और यूज़ ना हो तो फिर वो ख़राब जाती है, और नहीं बहुत बेकार एक्सचेंज रेट मिलते हैं उसके आखिर में। कितना ले रहा है ये देखो, $4.50 का ये वो ले रहा है, चलो क्या इलाज है, निकलवा ही लेते हैं। साथ में एक और एटीएम था, मैं इस पर आ गया, इस पर देखते क्या पता कम चार्ज लगे, ये तो और भी चार्ज ले रहा है, कैंसिल मारो इसे। कौन सा बैंक है ये,
कभी भी वैसे तो कोई आएगा नहीं इस देश में, बहुत कम लोग आते हैं बैंक एल सेलोडर आओ तो बैंक को अग्रिकोला से मत निकलवाना, बैंक को एतलांटिडा उससे फिर भी ठीक है। एक डॉलर बच जाएगा आपका। इतने खुले नोट दे दिए इसने तो, कोई लूटर लेगा देख लिए तो किसी ने। ये रहा अपना कार्ड, पैसे निकलवा लिए बजा के, हॉस्टल में सारा सामान रखता हूँ और गिनती के कुछ पैसे लेके दोबारा बाहर निकलता हूँ फिर कुछ खाने, फोन भी शायद हॉस्टल ही छोड़ दूँ। ये मेरे ख्याल इनका मेन कैथेड्रल है, बिल्कुल सेंटर में भी इसका रिपेयर वगैरह चल रही है, देखो बहुत सुंदर है लेकिन बढ़िया है ना, जूम करता हूँ। तो भाई ये थी मेरी वीडियो बॉर्डर क्रॉसिंग की और एल सेल्वाडोर एंटर करने की, इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ गुड डे, गुड बाय।